उदाहरण 16, वर्ग समीकरण कोष्टक में x ऋण 1, दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 1 बराबर 0 को हल कीजिए। हल, हमारे पास है x ऋण 1 जो कि कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 1 बराबर 0, इसे हमें हल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम पहले कोष्टक का पहला पद x लिखेंगे और दूसरा कोष्टक 2x ऋण 1 लिखेंगे, उसके बाद पहले कोष्टक का दूसरा पद ऋण 1 लिखेंगे और फिर इसे गुणा करेंगे 2x ऋण 1 से बराबर 0। या कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो x 2x से गुणा होगा जिससे हमें प्राप्त होगा 2x^2 ऋण x, x गुणित ऋण 1 ऋण x, ऋण 2x, ऋण 1 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन 1 बराबर 0। या 2x^2 ऋण 1x ऋण 2x ऋण 3x धन 1 बराबर 0। यहाँ पर हम समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax^2 धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। हमें a का मान प्राप्त होगा 2, उसी तरह से b बराबर ऋण 3 और c बराबर 1। सूत्र x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b^2 ऋण 4ac बटा 2a में a, b और c का मान हम रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो ऋण b का मान हमारे पास है ऋण 3 जिसे हम कोष्टक में रखें, धन ऋण वर्गमूल b का मान है हमारे पास ऋण 3, तो ऋण 3^2 ऋण 4, a का मान है 2 और c का मान है 1 बटा 2 और a का मान हमारे पास 2 है तो इसे कोष्टक में लिखेंगे बराबर ऋण को ऋण 3 से गुणा करेंगे तो 3 धन ऋण वर्गमूल ऋण 3^2 बराबर 9 ऋण 4 × 8 बटा 4 बराबर 3 धन ऋण वर्गमूल 9 ऋण 8 वर्गमूल 1 और वर्गमूल 1 बराबर 1 होता है बटा 4। आगे देखते हैं, हमें प्राप्त हुआ था x बराबर 3 धन ऋण 1 बटा 4। अब हम इसमें धन चिन्ह लेने पर x बराबर 3 धन 1 बटा 4 या 3 और 1 4 बटा 4, 4 और 4 को 4 बटा 4 का मान 1 हो जाएगा तो x बराबर 1। उसी तरह से ऋण, यहाँ पे ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 3 ऋण 1 बटा 4 बराबर 3 ऋण 1 2 बटा 4 या जब हम इसे 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दूनी तो x का मान आ जाएगा 1 बटा 2। तो अतः हमने देखा कि x का मान 1 या 1 बटा 2 समीकरण का समीकरण के मूल है। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि x का जो मान है 1 और x का मान 1 बटा 2 यह समीकरण के मूल है या इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, इन समीकरणों को हल कीजिए। पहला, 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 बराबर 0।
दूसरा x का वर्ग ऋण 2x धन 1 बराबर 0।